नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं एसएम न्यूज चैनल। आज हमारे साथ है संदीप वाल्मीकि, जो बहुजन समाज की आवाजों को अधिकतर उठाते रहते हैं। संदीप साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पहले तो धन्यवाद सर। संदीप साहब, अभी बहन जी के ट्विटर से पता चला है और पूरे न्यूज़पेपर, अखबार, सोशल मीडिया पे था कि जो बलिया के अंदर जो बहुजन समाज के दलित बच्चे थे, उनको अलग से खाना परोसा गया, उनको अलग बैठाया गया। पहले जनरल समाज के बच्चों को खाना खिलाया, फिर उसके बाद जो बचा कुचा था उसको बहुजन समाज के लोगों को, बच्चों को खिलाया गया। ये मानसिकता अगर बच्चों में भेदभाव की आएगी तो देश डिजिटल इंडिया कैसे बनेगा? देखिए, इन लोगों का डिजिटल इंडिया आपको पता है, पहले कहते थे हनुमान ने सूर्य देव को खा लिया है ना जी। और एक सेतु बना दिया, पत्थर तैर रहे हैं है ना, बॉल जो ना समुद्र में डूब गई, कृष्ण जी लेकर निकल रहे हैं। इनका डिजिटल इंडिया तो ऐसा ही होता है जो सरकार है, ठीक है। और हमारा डिजिटल इंडिया तो आपने देखा, कलाम साहब ने इस देश को कितना मजबूत किया जी। है ना, बाबा साहब अंबेडकर ने कितना मजबूत किया जी। और जहाँ तक इनकी बात करें तो इनके जो धर्म ग्रंथ है जी। जो आडंबर का पुत एक जो बस्ता बना रखा है जी। उसमें पहली ही मानसिकता ये है कि ये देश अछूत और स्वर्णों में बांट दिया जाए जी। तो जिस आदमी की मानसिकता ठीक नहीं हो, जिस समुदाय की मानसिकता ठीक नहीं हो, तो वो इस तरह की चीजें करेगा। अभी एक मामला और सामने आया था जी। एक स्कूल में मनुस्मृतियां बांटते हैं और वो लड़की जब उसका विरोध करती है तो उसकी लड़की के घर वालों पे, उसके भाई पर, उस पर मुकदमा करती है वो टीचर। फिर वो लड़की स्कूल के बाहर धरने में बैठती है और वो मनुस्मृति की किताब बंद होती है। और उत्तर प्रदेश में तो एक हिंदू जो है ना, वो चला दिया इन्होंने कोर्ट, जिसमें मनुस्मृति से फैसले होते हैं, और अभी एक संसद बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो हमारे लोग जो उछल उछल के कूद कूद के है, मोदी जी, योगी जी, फलाना डिकड़ा कर रहे हैं ना, ये आगे आने वाली हमारी बहन बेटी वो देवदासियां भी बनाएंगे है ना, नगर वधु भी बनाएंगे। तो ये लोग सोच लें कैसे भारत का निर्माण करने जा रहे हैं, और सहयोग हमारा सबसे ज़्यादा होता है ना उन चीज़ों को आगे बढ़ाने में। तो ये हमारे लोग, समाज के कुछ चंद गद्दार हैं जो दूसरी पार्टी में बैठे, इनको समझनी पड़ेगी और समाज को इनको दरकिनार करके बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करना पड़ेगा और बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। उसके बाद ये देश और ये सारा सिस्टम ठीक होगा और ये देश खुशहाल देश होगा। आप थे हमारे से संदीप वाल्मीकि, जिन्होंने हमें बताया कि जो बहुजन समाज के बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है वो मानसिक प्रॉब्लम है, और मानसिकता को दूर करने के लिए बहुत जरूरी है कि बहुजन समाज के लोगों को अपनी सरकार बनानी चाहिए। धन्यवाद संदीप जी, आपने हमारे। थैंक यू सर। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।